दादी के दर्दनाक है भाई साहब। सो हे व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी का सीन ऐसा है, 9 बज चुके हैं, 9:30 हो चुका है शायद, और अब जाके मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने गाड़ी निकाल दी है अपनी धोने के लिए भाई, मतलब बारिश की वजह से इतनी गंदी हो चुकी है ना, मतलब मुझे बार बार धोनी पड़ रही है, ऐसा हो रहा है। मतलब बार बार धोने से गाड़ी के पेंट को भी नुकसान होता है। देखो यहाँ पे ना, देखो ये निशान दिख रहे होंगे ब्लैक ब्लैक से, ये पानी के निशान छोड़ दिए उसने अब अपने, पूरी गंदी हो रखी है भाई। मतलब अब देखो ये देखो भाई इतना गंदा, तो इसको फटाफट से करते हैं साफ और चलते फिर नहाने, पूजा और नाश्ता फटाफट से इसको धोते हैं। तो नहा के आ गया था, पूजा भी कर लिए और बाहर जो है आसुदिया आ रखे हैं, तो वो लोग बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या ट्यूशन का रिलेटेड कुछ बात है। और अभी जो है मैं नाश्ता करूँ, मतलब अभी तक मेरा नाश्ता जो है नहीं हुआ था, तो 11:30 टाइम हो चुका है। और यहाँ पे जो है मैंने कुछ बादाम काट के रखे हुए भाई, इतना तो 3-4 बादाम थे और वो मैंने कुछ छोटा छोटा काट के, ऐसे फूड व्लॉगर टाइप के मैं ऐसे ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ ना। तो आज का जो हमारा नाश्ता हुआ खीर, बराबर खाते खीर और चलते फिर छत में। तो यहाँ पे जो है हमारे खेत में गाय आ गई थी, तो देखो दादी थी बाहुबली बल भाई साहब, यहाँ देखो डुकू डर गई और दादी इतना बड़ा डंडा लेके बिल्कुल ये। दादी का दर्द आ गया भाई साहब, दादी का दर्द। भाई दादी ने पूरे गाय को, दादी लगता है आज पूरा उसको ऋषिकेश छोड़ जाएगी। तो जल्दी से जाता हूँ, खीर मैंने आधे रास्ते में छोड़ी क्योंकि जो हमारे डेयरी वाला है वो आ रहा है, मतलब डेयरी वाला एक यहाँ गाड़ी जाती है दूध की, तो वो आ रही है, तो फटाफट से मैं खीर खाता हूँ। और मैंने अपने दोस्तों को बोल रखा है कि वो रोके उसे, जल्दी से खाते खीर और लेते फिर दूध। तो दूध ले लिया था और अभी का कुछ सीन ऐसा, मैं जा रहा हूँ पीछे ताई जी के वहाँ और उनके ब्लाउज और हमारे जो मम्मी ने आईडी करा रखी है उसके पैसे देने। तो चलते हैं जल्दी से उनके घर और आते हैं फिर, खाने का टाइम भी हो चुका है, तो 1:53 जो टाइम हो गया, तो खाने जो हमारा बन चुका है। प्रियंका दीदी भी आ रही थी तो वो पता नहीं कहाँ रह चुके हैं, उसके चक्कर में हमने खाना भी नहीं खाया है। और चलते जल्दी से पीछे और वापस आते। तो खाना खा लिया, अभी जो है चाचू और मैं जा रहे हैं पेंट लेने गेट का, जो हमारा मेन गेट है उसका रेड कलर जो है ख़त्म हो गया है। और सोमू देखो, सोमू क्या कर रहे हो आप, ये इनके पास एक छोटे छोटे से टॉयज बता नहीं खाते, हाँ तो उसमें से अपने जो है रेट देख के जाएंगे कितना उस पर लगेगा ना कि नया। तो चलते जल्दी से वहाँ लेके आते नया पेंट। तो पेंट लेके आ गया और यहाँ पे जो है मैंने अपने हाथ में जो है पन्नी पहन लिए कि हाथ में जो छींटे आ रहे हैं, तो चाचू अभी लगे पड़े हैं, दादी जी अभी बाहर आ रहे हैं कुर्सी लेके क्योंकि ऊपर का जो एरिया है हमें वो भी करना है। तो चाचू जा रहे हैं दुकान, मैं और दादी जी अभी लगे रहेंगे और सोमू भी आ चुके हैं। सोमू हाँ अच्छा ये नागिन है, ठीक है जाओ आप। तो करते जल्दी से पेंट पूरा और फिर चलते सीधा ट्यूशन। तो जो है आधा पेंट जो है हो चुका है हमारा। और यहाँ पे जो है देखो ये कंपैरिजन, तो ये देख रहे हो मतलब ये ऐसा लगता है, मतलब इसलिए हम जो है इस पर पेंट करें क्योंकि बारिश की वजह से लोहा है तो वो थोड़ा उसका रंग फीका पड़ चुका है, इसलिए हम उस पर कर रहे हैं। और अभी जो है मैं जा रहा हूँ मोदी केयर में, तो वहाँ से थोड़ा सामान लाना है, मम्मी ने मंगाया था। और चलते जल्दी से वहाँ और देख पता करते कि टैंपर और हमारा जो बीटी है वो अभी तक आया कि नहीं आया। तो सामान जो है मैंने ले लिया, मेरे हाथ में कुछ इतना बड़ा बॉक्स है, मतलब छोटा सा ही है लेकिन हाथ में जो है मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है,
तो मैंने जो है आधे रास्ते में मम्मी को बुला लिया, तो चलते जल्दी से और चलते सीधा गैस एजेंसी। तो चाची के फ़ोन का जो है टैंपर लग चुका है, मेरे फ़ोन अभी तक मुझे हेडसेट नहीं मिला है। वो बोल रहे हैं कि शॉप्स बंद थी आज तो उनको नहीं मिला, तो अभी जो है इमरजेंसी में वो लेके आ रहे कहीं से, तो जो है कल सुबह मैं जाऊँगा लेके आ ही जाऊँगा। अगर नहीं मिला तो ठीक है, वरना मैं पहले फ़ोन करके पूछूंगा। मैं जाऊँगा नहीं, वहाँ नंबर लेके आ रखूँ मैं। और बाइक जो है बाहर खड़ी थी क्योंकि चाचू और मैं जो है पेंट लेने गए थे। दो बार चक्कर काट दिया हमने दो पेंट के चक्कर में, एक रेड वाला और एक सिल्वर वाला, और ब्रश भी गए, ऐसे हो गया। और मोदी गेट से जो है सामान भी लेके आ गया था और वो भी मम्मी को दे दिया था, मम्मी आ गई थी आधे रास्ते तक। तो करते जल्दी से बाइक अंदर और देखते हैं आगे क्या होता है। तो बाइक अंदर कर दिया और अभी जो है मैं देख रहा था कि मोदी केयर से सारा सामान आया है कि नहीं आया है। और यहाँ पे जो है अपना कुछ डिब्बा रखा है, तो ऐसा कुछ सामान है अपना, और यहाँ पे जो है इतना सारा कुछ सामान है। और ये मेरे समझ इसमें एक ऑफर सिस्टम रहता है, अगर किसी जो मोदी केयर वाले होंगे उन्हें पता होगा। बट ये देखना, ये लड़कियों वाला परफ्यूम मेरे को क्यों दिया होगा इन्होंने, मेरी समझ नहीं आई अभी तक। और यहाँ पे जो हमारे पड़ोसियों के आ चुके, मतलब हमारे जानने वाले, उनका वोटर आईडी का कुछ आ रखा है और शायद उन्होंने चेंज हो गए क्योंकि वो भी राणाकोटी और हम भी राणाकोटी हैं, रिलेटेड मतलब हमारे रिलेशन में है वो। और यहाँ पे जो है मम्मी देखो यहाँ पे अपना सिलाई का काम, और मम्मी देखो खुश, मतलब हंस रही है मम्मी। सागर सोमडुको और मम्मी, मतलब तीनों को चारों को कैमरा देख के ऐसा लगता है मतलब क्या कर रहे हो गई। और चाहते हैं उनके घर और देख के आते हैं वापस इन्हें और अपने वाला लेके आते हैं। तो उनके जो वो स्लिप थी वो मैंने दे दिए पीछे, और ये जो है मैं सोयाबीन बड़ी लेके आया हूँ यहाँ पे सोयाबीन। और अभी जो है मुझे जो है इस टाइम बहुत भूख लगती है, तो मैं जो है यहाँ पे मुझे चावल मिले हैं थोड़े से दिन के, और यहाँ पे जो है नॉन स्टिक निकालते हैं अपना पैन और बनाते हैं जल्दी से। तो चावल जो है हमारे इसमें रखे हुए हैं, और यहाँ पे जो है मैं फ्राइड राइस बनाने के लिए स्टार्ट करती हूँ। मसाले मसाले जो भी है मैंने सारे निकाल के रखे हैं, तो रखते हैं अपना पैन गर्म होने के, जरा ऑन अपना इंडक्शन हाई वाट बिल्कुल, और आवाज़ जो है बहुत तेज करते हैं, तो डालते हैं इसमें तेल इससे गर्म हो जाए। और ये हमारा तेल, ये शायद ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो जो है मुझे ना तेल और मसालों का ज़्यादा अंदाज़ा जो है आता नहीं है, तो ट्राई करते हैं कि थोड़ा ठीक होने, वैसे मैं बना लेता हूँ बट ऐसे ही है। तो तेल जो है हमारा बस गर्म ही हो चुका है, निकालते हैं मसाले तो रखे लेकिन जीरा रह गया, तो जीरा कुछ अपने जीरा सारे मसाले जो है हमने डिब्बों में रखे हुए हैं, और निकाल कर थोड़ा सा जीरा, ये जो है गर्म तो हो गया तो डाल दे जीरा। चावल जो है बहुत सारे, तो थोड़ा सा जीरा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि मुझे जीरा बहुत पसंद है, तो जीरा जो है डाल देंगे। शायद तेल जो है वो कम हो चुका है, और जो है इसको थोड़ा ऑफ करते हैं। और जो अपना चावल है देखो, इतने सारे दिन के चावल बचे हुए, तो इनको वेस्ट होना नहीं देंगे, इनको तो निकालना है। और ये जो है ना कुछ ऐसा स्टिक है अपने निकाल के रखा हमें कढ़ाई ऐसे बनाने चीज़ें के लिए, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं मैश करते हैं, इसको थोड़ा मैश करते हैं और डालते हैं जल्दी से। तो तेल जो है हमारे गर्म हो चुके हैं, तो मसाले जो है खोल खाल के रख देते हैं, हल्का सा और गर्म होने देते हैं, जल्दी से अपने नमक नमक जो भी है इसे खोल देते हैं, धनिया पाउडर और हल्दी, हमारे पास जो है धनिया खत्म हो चुका है, तो देखो तेल हो गया गर्म, तो इसे डालते हैं इसमें। बनाते जल्दी से इसे और निकालते हैं कैसे बना बन जाते। चावल जो है मैंने खा लिया, और यहाँ पे जो है सागर को पढ़ाना है मैंने, ये देखो ये छू गया फिर अजीब तरीके से। करता मैं इस ब्लॉग को एंड, आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलता है आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।